नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जादौन। मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। जहां पत्नियों से विवाद के बीच मेरठ में दो सगे भाइयों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और मौत के कारणों का पता भी नहीं चला। दरअसल पूरा मामला मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक गांव में रविवार को दो भाई अपने घर में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए। जब इस पर पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि पीआरबी पर सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लिया गया और जांच शुरू की गई। मृतकों की पहचान थाना गंगानगर के अमहेड़ा गांव निवासी भीरपाल और विकास के रूप में हुई। दोनों ही अपने घर में मृत पाए गए। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम पहुंची, जांच शुरू की गई। एसएसपी ने यह भी बताया कि पुलिस जांच के दौरान दोनों के शवों पर चोट का कोई भी निशान नहीं पाया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार मृतकों की मां ने पुलिस को बताया कि जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके दोनों बेटे बगल में मृत पड़े हैं। एसएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि वीरपाल की पत्नी कई साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी और छोटे भाई विकास की शादी इसी साल अप्रैल में हुई थी और मियां बीवी के बीच झगड़ा चल रहा था। एसएसपी ने कहा कि विकास की पत्नी भी पिछले 4 महीनों से उसे छोड़कर अलग रह रही थी। दोनों ही भाइयों का अपनी पत्नियों से विवाद चल रहा है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मौत का कारण पता नहीं चल सका है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हर बिंदु पर जांच की जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि दोनों भाइयों की मौत का खुलासा क्या होता है।